दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें इन दोनों शेयर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में और साथ ही साथ हिंडाल्को इंडस्ट्री के बारे में। दोनों शेयर्स ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट निकल कर आए हैं और इन रिजल्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अब आपको इस रिजल्ट के बाद में मदर्स एंड सुमी और हिंडाल्को के अंदर क्या स्ट्रेटजी लेकर चलना है, और यदि आप इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर कर बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड के साथ में, जहां पर आज के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट यहां पर अनाउंस कर दिए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर मदर्स एंड सुमी की तरफ से डिक्लेयर करे गए हैं। सारे फिगर्स आपको यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्वार्टर टू का डाटा, देन क्वार्टर वन का, देन लास्ट ईयर के क्वार्टर टू का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में और साथ ही साथ कंपनी के अदर इनकम के बारे में। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम जो कंपनी ने यहाँ पर टोटल इनकम डिक्लेयर करी है वो आप देख सकते हैं 14,163 करोड़ रुपये की टोटल इनकम कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर करी है, जो कि क्वार्टर वन में 16,312 करोड़ रुपए की थी और लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में 15,012 करोड़ रुपए की थी। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका था कि सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के कारण जितनी भी ऑटो मेकिंग कंपनियां हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिस कारण से मदर्स एंड सुमी के ऊपर भी आपको उसका इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए टोटल इनकम तो कंपनी की डिक्लाइन हुई है, लेकिन क्या कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर किए हैं उसमें किसी प्रकार की गिरावट हमें देखने को मिल रही है? तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर 14,001 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए हैं, जो कि क्वार्टर वन में हमें 15,809 करोड़ रुपए के देखने को मिल रहे थे। यानी कि कंपनी के इनकम यहाँ पर डिक्लाइन हुई है तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लास्ट ईयर के क्वार्टर टू की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी ने 14,426 करोड़ रुपये के टोटल एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए थे, जिसके बाद अगर हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहां पर कंपनी ने क्वार्टर टू में 178 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर किया है, जो कि क्वार्टर वन के कंपैरिजन में लगभग हाफ से भी यहां पर कम हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ लास्ट ईयर के क्वार्टर टू में भी कंपनी ने 553 करोड़ रुपए का पीबीटी डिक्लेयर किया था, तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हुआ है। वहीं अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि कंपनी ने क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर किया है, आप देख सकते हैं 93 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि 93 करोड़ रुपए का कंपनी ने नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहां पर डिक्लेयर किया है, क्योंकि क्वार्टर टू के कंपैरिजन में काफ़ी कम और लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के कंपैरिजन में लगभग 76% डिक्लाइन होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की शेयर प्राइस पर आज के दिन हमें तो काफ़ी पॉजिटिव मूवमेंट यहां पर आते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस यहां पर फाइनेंशियल नंबर्स के अकॉर्डिंग यहां पर हमें गिरावट वाली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम टोटल कंप्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड की बात करें तो वो तो हमें यहां पर नेगेटिव जाते हुए देखने को मिल रही है। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पर शॉर्ट टर्म में कंसिडर करते हुए चल सकते हैं कि मदर्स एंड सुमी के अंदर आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रेशो अभी भी हमें यहां पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो हमें 0.68 का यहां पर कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने मदर्स एंड सुमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देख सकते हैं आप आज के दिन भी आपको लगभग 3% तक की शानदार तेजी रिजल्ट के बाद इस शेयर के अंदर देखने को मिल चुकी है। शेयर बुरा नहीं है, लेकिन
पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए यानी कि क्वार्टर टू की परफॉर्मेंस को देखते हुए शॉर्ट टर्म में यहां पर सेलिंग प्रेशर बन सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आप इस शेयर्स को पिक करते हुए चल सकते हैं। वहीं अगर आप इसके पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो पिछले एक साल में भी लगभग 87% तक के मल्टी बेगर रिटर्न इस शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और बीच में जिस टाइम पर यह शेयर 200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तब भी हमने आपके लिए वीडियो यहां पर कवर करी थी और हमने बताया था कि यदि आप मदर्स एंड सुमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सही अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिल रही है। चलिए अब बात करें कि मदर्स एंड सुमी के फाइनेंशियल रिजल्ट तो हमें यहाँ पर गिरावट वाले देखने को मिले हैं, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड ने आज बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं और उसी को देखते हुए आज के दिन आपको हिंडाल्को के अंदर मार्केट क्लोज होने तक लगभग 3 से 3.25% तक की शानदार तेजी भी देखने को मिल चुकी है। हिंडाल्को के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें उसके पहले अगर हम इसके लास्ट वन ईयर के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आप देख सकते हैं लास्ट वन ईयर में कंपनी ने लगभग 122% तक के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। जिस प्रकार से कंपनी का क्वार्टर टू रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 9 गुना तेजी से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिला है और हिंडाल्को ने 3417 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर टू के अंदर डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू लगभग 47,665 करोड़ रुपये से इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो यदि आपने हिंडाल्को को अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रखा है तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए इस शेयर्स के अंदर अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। कि आदित्य बिरला ग्रुप की सभी कंपनियां पिछले एक साल के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिली है, जिसमें अगर हिंडाल्को की भी बात करी जाए जहां पर हिंडाल्को का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसोलिडेटेड रिजल्ट के अंदर लगभग 23% से ग्रो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 53% से यहां पर इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को के अगर इबिड्डा मार्जिन की भी बात करी जाए तो वहां पर भी हमें 42% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आपने मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस, आपका टारगेट अचीव होते ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो जैसा कि कंपनी के स्टेटमेंट में भी अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी कि मदर्स एंड सुमी के अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के कारण आपको उसका इंपैक्ट क्वार्टर टू के नंबर्स पर देखने को मिल सकता है, लेकिन क्वार्टर थ्री में कंपनी यहाँ पर रिकवरी कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म में शेयर्स बुरा नहीं है, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बाय ऑन डिप करते हुए आप चल सकते हैं और अगर आपको लॉस हो रहा है तो अगर शेयर्स डिक्लाइन होता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। बात करें हिंडाल्को इंडस्ट्री की तो हिंडाल्को इंडस्ट्री के फाइनेंशियल नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं, तो यदि आप इस शेयर्स के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस शेयर्स को भी आप पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि इसके भी जो टेक्निकल लेवल्स है वो पूरी तरीके से अभी हमें मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो हिंडाल्को इंडस्ट्री और मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड को लेकर यहाँ पर जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड स्टे अपडेटेड।